गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5, पेज नंबर 66, बायोगैस। इट इज फॉर्मड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए, आपकी बायोगैस फॉर्मड होती है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। देखिए, ये आपकी कंसिस्ट करती है मेनली मीथेन। इट इज मेनली फॉर डोमेस्टिक यूज। इसका इस्तेमाल जो होता है डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका कोल गैस। व्हेन कोल और वुड इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कोल और वुड को हीटेड करते हैं, वो भी किसकी एब्सेंस में? एयर। कोल गैस आपकी फॉर्मेट होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। ये आपका मिक्सचर है मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज मेनली यूज इन इंडस्ट्रीज। ये आपकी मेनली यूज कहाँ होती है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में। इट वॉज यूज टू लाइट द सिटी ऑफ लंडन इन द अर्ली 19th century। इसका इस्तेमाल जो होता था क्या लंडन सिटी में आपकी अर्ली 19th century में किसके लिए इस्तेमाल होता था? लाइट के लिए। एंड द सिटी ऑफ बॉम्बे, और बॉम्बे सिटी में भी इसका इस्तेमाल लाइट के लिए होता था। नाउ मुंबई अंटिल द 1930s। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाटर गैस। इट इज ऑप्टेन बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। ये आपकी ऑप्टेन होती है क्या? पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। जब हम स्टीम को पास करेंगे रेड हॉट कोक से, तो ये कार्बन है, ये आपका क्या है? वाटर। ये आपकी फॉर्मेड हुई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। दस इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज। ये कहाँ पर यूज होती है? आपकी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन आउट ऑन बर्निंग वन यूनिट ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स बर्निंग। देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो आपका अमाउंट है हीट एनर्जी जो गिवन आउट ऑन बर्निंग, जो उसे जलाने पर आपको प्राप्त होता है। वन यूनिट ऑफ फ्यूल, कितनी यूनिट? वन यूनिट ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स बर्निंग। किसकी प्रेजेंस में? फुल्ली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उसके बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की, इसकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो आपके क्या? गिविन आउट ऑन बर्निंग, जो बर्निंग करने पर हमें मिलती है। द वर्ड कैलोरीफिक हैज कम फ्रॉम द वर्ड कैलोरी। जो आपका कैलोरीफिक वर्ड है, वो आपका वर्ड आया है कैलोरी से। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। जो आपकी कैलोरी है वो क्या है? यूनिट है किसकी? हीट की। फिगर्स गिविन इन द टेबल आर, ये आपके फिगर्स दी हुई है जिसमें आपकी क्या दी गई है? कैलोरीफिक वैल्यू मैंशन की गई है। अदरवाइज वन कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल टू 4.1845 जूल। जो आपकी वन कैलोरी हीट होती है वो आपकी इक्वल होती है 4.1845 जूल के बराबर। मोर इम्पोर्टेंट इज टू लर्न दैट हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल मोर इज द हीट प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा आपकी क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बाय इट व्हेन ऑन फायर, जब हम उसे चलाएंगे। दस हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल बेटर द फ्यूल। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की, उतना ही वो बेटर फ्यूल होगा। तो ये आपकी क्या है? आपकी सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दी है, ये आपके लिक्विड फ्यूल की है, और ये आपकी गैसेस फ्यूल की क्या दी है? कैलोरीफिक वैल्यू दी है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द हाईएस्ट। देखिए, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन गैस की, वो आपकी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल मे बी कंसिडर एज द बेस्ट फ्यूल सिंस इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज द हाईएस्ट एंड इट इज़ नॉन पोल्यूटेंट। देखिए, जो हाइड्रोजन है आपका फ्यूल कंसिडर हुआ है क्योंकि ये आपका बेस्ट फ्यूल है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है और ये नॉन पोल्यूटेंट है। जब हम इसे क्या फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। एक तो पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, प्लस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए इसे बेस्ट फ्यूल कहा गया। ऑन बर्निंग इट गिव्स आउट ओनली वाटर वेपर्स। जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये सिर्फ क्या देता है? वाटर वेपर्स देता है। हाउएवर इट ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। लेकिन इसकी जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि इधर से उधर ले जाने में, स्टोरेज में और हैंडलिंग में, ये क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। हैंस नॉट वेरी यूजफुल एज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो इसी वजह से ये यूज नहीं हो पाता
किसके लिए? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की जगह इट इज यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट। तो इसका इस्तेमाल आपका होता है फ्यूल की तरह, वो भी रॉकेट, एंड दैट टू इन लिक्विड फॉर्म। अनदर प्रॉब्लम विद हाइड्रोजन इज दैट इट एक्सप्लोड व्हेन इट गेट मिक्सड विद एयर। और एक प्रॉब्लम और है इसके साथ, ये एक्सप्लोड होता है जब ये मिक्स हो जाता है एयर में, एंड इट इज इग्निटेड इन द स्पेस टेम्परेचर बींग लो। जो स्पेस का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? लो होता है। हाइड्रोजन रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एंड देयर बींग नो एटमोसफेयर इन द स्पेस। आपको पता है स्पेस में एटमोसफेयर नहीं होता, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता मिक्सड विद एयर की, हाइड्रोजन आपका मिक्स होगा एयर में। तो हाइड्रोजन जो है आपका बेस्ट फ्यूल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन ये डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल फ्यूल की जगह इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसे हैंडलिंग करना, स्टोरेज करना और में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, ठीक है। और ऊपर से ये एयर आपका क्या हो जाता है, ये आपका यूज होता है रॉकेट फ्यूल में। और एक प्रॉब्लम हो रहा है, हाइड्रोजन जो है आपका एक्सप्लोड हो जाता है जब वो आपका मिक्स होता है एयर में।